अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइम की ड्रीम्स में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वेनिला कैरमल ब्रेड पुडिंग। चलिए हम इसको बनाना फटाफट से शुरू करते हैं। इसके लिए हम लेंगे एक पैन, इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप शुगर। इसको अच्छे से कैरमलाइज होने देंगे, मीडियम फ्लेम पे करें फ्रेंड्स। इसको थोड़ा मैं स्टर करूंगी हल्के हाथों से। देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारी शुगर मेल्ट हो रही है, यानी कैरमलाइज हो रही है। बिल्कुल हल्के हाथों से इसको स्टर करते रहे फ्रेंड्स। ये देखिए हमारा कैरमल तैयार है। इसको हम एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। अब हम लेंगे 6 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, इसके एजेस को हम कट कर लेंगे। अब हम इसको कट करेंगे क्यूब शेप में, बिल्कुल इसी तरह जैसे वीडियो में बताया है वैसे ही कट करें फ्रेंड्स। अब हम इसको एक ग्राइंडर में डाल के इसका मिक्सचर तैयार करेंगे, तैयार करके साइड में रख देंगे। अब मैंने एक बाउल लिया है, इसमें मैं ऐड करूंगी 4 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप वाटर। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। जो पाउडर हमने डाला है वो सारा डिसॉल्व हो जाए वाटर में। ये देखिए कितनी अच्छी तरह बना है हमारा कस्टर्ड मिक्स। अब हम एक बर्तन लेंगे, इसमें 1.5 कप मिल्क ऐड करेंगे। इसके साथ साथ हम ऐड करेंगे 1/2 कप शुगर। इसको अच्छे से मिक्स करके मीडियम फ्लेम पे हम इसको बॉईल आने देंगे। ये देखिए बॉईल आ चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कस्टर्ड मिक्स। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इसको ऐसे ही पकने देंगे तो हमारे पुडिंग मिक्सचर में लम्प्स आ जाएंगे, इसलिए इसको अच्छी तरह से स्टर करते रहिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ये देखिए अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स। सारा कुछ नहीं ऐड करना चाहिए फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा करके हम इसको ग्रेजुअली ऐड करते जाएंगे, ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। कैसी लगी ये रेसिपी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ट्राई करना ना भूलिए आप अपने घर में। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ मैं, लम्स आने नहीं दे रही हूँ। आप भी ऐसे ही कीजिएगा। सारा कुछ ऐड करती हूँ मैं थोड़ा थोड़ा करके। अब हम इसको 1 मिनट तक पकाएंगे। ये देखिए 1 मिनट हो चुका है, हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब हम इसको
एक बर्तन में जिसमें हमने कैरामिल डाला हुआ है उसमें हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। अगर आप चाहे तो केक मोल्ड भी ले सकते हैं। ये देखिए, हम इसको इसका टॉप को इवनली स्प्रेड करेंगे। इसको मैं कवर कर रही हूँ फॉइल शीट से। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह मैं आप भी कीजिएगा। अगर आपके पास लिड है परफेक्ट साइज़ की, इसको ढक दीजिएगा। फॉइल शीट नहीं हो तो भी लिड बंद कर सकते हैं। अब मैं एक बर्तन में हाफ कप पानी डाल रही हूँ। इसमें मैं एक लिड रख रही हूँ। अगर आपके पास स्टैंड हो तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने मोल्ड रख दिया है। इसको ढक के 20 से 30 मिनट तक पकाएं। इसको ठंडा होने दें, रूम टेम्परेचर में आने दें। इसके बाद हम इसको फ्रिज में 2 आवर्स के लिए रख देंगे। 2 आवर्स हो चुके हैं। ये देखिए, परफेक्टली बना है हमारा कैरामेल वनीला पुडिंग, ब्रेड पुडिंग। इसको मैं एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ये देखिए कितनी यम्मी लग रही है हमारी पुडिंग। इसका कैरामेल देखिए कितनी अच्छी तरह बना है, कितनी अच्छी तरह लग रहा है। मज़ा ही आ जाएगा खाने में। आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत आसान है ये रेसिपी। ये देखिए कितनी सॉफ्ट और फ्लफी बनी है हमारी पुडिंग। ये देखिए इसका लुक कितना अच्छा लग रहा है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।